तो यार जो हमारी टीम इलीट है वो क्वालिफाई कर चुके है हमारे FFAC के फाइनल्स के लिए। तो बहुत सारी टीम्स ने कम्पीट किया था, बहुत सारी टीम्स खेली थी एंड मतलब बहुत सारी टीम जीत सकती थी, लेकिन टीम इलीट क्यों जीती वो इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंट किया था, उस टीम के अंदर कुछ डिफरेंट बात है। तो आज की वीडियो में मैं वही बात डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे इस साल के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं तो मैं 1 जनवरी ना 10 जनवरी को अपना फेस रिवील कर दूंगा। जिस दिन मेरा बर्थडे है 10 जनवरी उस दिन मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। तो इस साल के एंड तक 10K हुए तो फेस रिवील आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ जिसका टाइटल है हाउ टीम इलीट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम्स। टीम इलीट इज नॉट अ टीम। टीम इलीट एक इमोशन है, टीम इलीट एक परिवार है एंड टीम इलीट लाखों लोगों के लिए इमोशन है एंड एक परिवार है जिसमें टोटल 5 लोग हैं। हमारे पहाड़ी या लोकेश, अब जॉन्टी गेमिंग, आइकॉनिक, RDP किलर। तो ये है हमारे टीम इलीट के कुछ परिवार के सदस्य। अब मैं परिवार क्यों कह रहा हूँ तो देखो टीम क्या होती है। टीम में अगर झगड़ा होता है तो मतलब कई बार टीम टूट जाती है। TSM ले लो, TSM में झगड़ा हुआ टीम टूट गई, लेकिन जो हमारी टीम इलीट है इसमें कितने बार झगड़ा हो चुका है लेकिन आज तक ये टीम नहीं टूटी है। एक जो बड़ा सदस्य होता है परिवार का, जो सबसे एल्डर होता है, वो पूरी परिवार को जोड़ के रखता है। तो जो हमारी टीम इलीट है उसमें सबसे एल्डर हमारे जॉन्टी भाई, जो मतलब एक परिवार को जोड़ के रखे हैं। इस टीम के अंदर कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। तो इस टीम में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है लेकिन आज तक ये टीम एक साथ है, भाईचारे में है एंड आज तक ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो ये है हमारे जो बड़ा सदस्य होता है वो कैसे एक परिवार को संभालता है, वो दिखाया है हमारे जॉन्टी भाई ने। तो सेकंड पॉइंट में बढ़ने से पहले, आप सब चाहते हो कि आप लोग भी टीम इलीट जैसा खेलो लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज है आपको मिलते नहीं है टूर्नामेंट्स के, तो मैं एक टूर्नामेंट लेके आया हूँ जिसका प्राइस पूरा 30,000 रुपीज़ एंड जिसमें बहुत सारे स्लॉट्स है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कॉर्ड की लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पर मतलब टूर्नामेंट्स खेल सकते हो एंड टूर्नामेंट खेल रहा है वहाँ पर आप रजिस्टर करो एंड आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। रूटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे गिवअवेज होते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है जो हमारी टीम इलीट को बाकी सब टीम से डिफरेंट बनाता है वो है सेक्रीफाइस। तो आपने बहुत सारी टीम्स ऐसी देखी होगी जहाँ पे जो हमारे IGL है मतलब वो हर मैच खेलते हैं एंड जो उनके प्लेयर्स हैं उनके प्लेयर्स मतलब चेंजेस होते हैं, लेकिन इकलौती टीम में हमारी टीम इलीट जिसमें जो IGL है वो ना खेलते हुए मतलब अपने टीम में जो साथी के प्लेयर्स हैं उनको खिलाते हैं। मतलब जो हमारे जॉन्टी भाई है वो मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो खुद नहीं खेल रहे अपने प्लेयर्स को खिला रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर की दिक्कत है, तो अगर वो ना रहे तो उनकी जो टीम है वो अपने आप खेल ले एंड जो आइकॉनिक है मतलब वो भी लीडिंग सीख रहे हैं। ऐसा जो सेक्रीफाइस है ये आपने कहीं और नहीं देखा होगा, आई एम डैम श्योर। अब कोई भी टीम पकड़ लो, GXR, TSM, कोई भी टीम हो, वहाँ पे जो हमारे IGL है मैक्सिमम टाइम वो खेलते हैं एंड अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो जो IGL है वो डैम श्योर खेलते हैं, लेकिन जो हमारी टीम इलीट के IGL है वो बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं खेलते एंड जो हमारा FFIC हुआ था वहाँ पे भी जो हमारी टीम इलीट का IGL है जॉन्टी भाई वो नहीं खेले थे। तो यार ये दिखाता है कि जो हमारे जॉन्टी भाई है खुद के बारे में ना सोच के टीम के बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एंड इसी वजह से जो ये टीम एक परिवार है एंड ये टीम बाकी सब टीमों से डिफरेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है हमारी कंसिस्टेंसी। तो हमारे फ्री फायर ईस्पोर्ट्स इंडिया में बहुत सारी ऐसी टीम्स है जो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन एक लौती टीम है टीम इलीट जो कंसिस्टेंट है। अगर वो कोई टूर्नामेंट नहीं जीतती तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 3 पोजीशनों के लिए मतलब रहता ही रहता है, चाहे वो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हो या कोई क्रिटिकल टूर्नामेंट हो। मतलब मेजोरिटी टाइम ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में जो हमारी टीम इलीट है वो सेकेंड या थर्ड पोजिशन में रहती ही रहती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड सबसे मेन रीज़न की तरफ जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हर टीम के अंदर होता है लेकिन ये जो टीम है इसमें गेम के अंदर भी एंड गेम के बाहर भी कोऑर्डिनेशन है। तो ये जो हमारी टीम है इसमें बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी है। मतलब जैसे किलरन पहाड़ी का एज एन एग्जाम्पल ले लो तो वो कितना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था ये बात सबको ही पता है, मतलब कितना झगड़ा हुआ था, मतलब कोई गाली गलौज क्या सब हुआ था आप सबको पता ही है। तो लोगों ने ये कह दिया था कि जो हमारे पहाड़ी है एंड जो हमारे किलर है अब वो साथ में नहीं खेल पाएंगे, उनका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा वो बिल्ड नहीं हो पाएगा एंड जो हमारी टीम इलीट है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर पहाड़ी ने एंड किलर ने साथ में खेला एंड फिर उन्होंने जो ही तगड़ा परफॉर्म किया भाई, कोऑर्डिनेशन था उनके, कोऑर्डिनेशन में शुरुआत में थोड़ा अफेक्ट आया था लेकिन फिर टाइम के साथ उनका कोऑर्डिनेशन एकदम सही हो गया एंड उनके कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं आया।
तो यही थे कुछ चार पॉइंट्स जो कि हमारे टीम एलीट को बाकी सब टीम से डिफरेंट बनाते हैं। एंड अब मतलब दो तीन दिन में एक ऐसी वीडियो आएगी जो कि होगी एकदम एडिटेड वीडियो, जो कि होगी हमारी टीम एलीट के जर्नी के ऊपर, जो कि मैं होप करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।